हाय, डॉक्टर स्पेक्ट्रा के द्वारा आज का वीडियो बिहार से है, जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट कोरियर के द्वारा लिया। आवाज़ की वजह से उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑनलाइन वर्क भी छोड़ दिया था और अकेले रहने से उन्हें घबराहट होने लगी थी, जिससे उनकी पूरी फैमिली परेशान रहती थी। आइए देखते हैं अभिषेक का वीडियो। हाँ अभिषेक, नमस्ते मैडम। नमस्ते अभिषेक, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। ठीक है, पहले से ठीक है? हाँ पहले से ठीक है मैडम, पहले बहुत दिक्कत था। पहले बहुत दिक्कत था। अभिषेक, आप कौन सी जगह रहते हैं बिहार में, कहाँ रहते हैं? हम बिहार में पटना में रहते हैं मैडम, पटना राजधानी बुद्धा कॉलोनी। अच्छा, वहाँ रहते हैं। अभिषेक आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं या क्या करते हैं आप? मैडम हम पहले जॉब करते थे, लेकिन जॉब हम छोड़ दिए हैं। बिरला सीमेंट में जॉब करते थे। क्यों छोड़ अभी दिया? हम जो है ना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। ठीक है, आपने घर से ही। आपने जॉब क्यों छोड़ दिया, टिनाइटिस की प्रॉब्लम की वजह से? आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। मैडम नवंबर में मेरा शादी हुआ था, समझे, किसी पिछले नवंबर में शादी हुआ था, और उसके बाद मैडम मतलब कि पहली बार हम वहाँ गए थे, गोवा गए थे प्लेन से, तो उसमें काफी हम प्लेन में घबरा गए थे। तो कभी भी हमको लगता है ना मैडम कि जो घबराहट था उसके चलते हमको हुआ है, कभी भी लगता है। लेकिन हम हेडफोन बहुत यूज करते हैं, क्योंकि बिजनेस करते हैं ऑनलाइन ना, बहुत सारे कॉल आते हैं तो हेडफोन भी यूज करते हैं, गाना वाना सुनते थे, उसके चलते भी हमको लगता है शायद हुआ हो। अच्छा, और कितने समय से है ये आपको? मैडम हमको मार्च अप्रैल से है, अब इसी में इस साल में अप्रैल से हुआ। अब जैसे ही टिनाइटस हुआ, किस तरह की आवाज आती थी और क्या क्या परेशानियां होती थी आपको? शुरुआत में मैडम बहुत डेंजरस था, दिन में हम खेल लेते थे कैसे भी, रात में हम सो ही नहीं पाते थे उसमें चलते। जैसे ही सोने का जैसे नींद आता था लगता था सब में बहुत आवाज होने लगता था और बिल्कुल उठ जाते थे। जैसे ही सोते कोई भी जैसे कूलर में सो चुके हैं, कोई मतलब कूलर का साउंड चल रहा है, और जैसे ही नींद आता था वैसे ही हमको लगता था कि मौसम में अटैक आ गया। हम बहुत तेजी से आवाज करने लग रहा था, ट्यूमर हो गया है कि क्या हो गया है, बहुत डर गए थे। अच्छा, तो ऐसे लगता था उस समय मैडम धनबाद में थे, पटना में ही थे, धनबाद में थे, तो धनबाद में एंटी को हम दिखाए थे उस समय। अच्छा, तो आपको ये जो है मतलब ऐसा लगता था कि सर में आवाज बहुत आ रही है, सर भारी भारी लगता था, और दिन में मैडम था ना कि झेल लेते थे, आवाज था दिन में भी झेल लेते थे, लेकिन रात में तो गजब बहुत बढ़ जाता था। सुन जैसे ही नींद आता वैसे ही बढ़ जाता था, सुन नहीं पाते। ओके, तो अभिषेक आपने जैसे ये टिनाइटस हुआ, आपने इसके लिए क्या किया, कहाँ कहाँ दिखाया? धनबाद में थे उस समय अपने भाई के पास, तो तुरंत एंटी के पास दिखाया वहां पर, तो बोला कि आपका टिनाइटस हो गया है, 4 महीना आपको ठीक होने में लगेगा, कुछ दवा ववा दे दिया आपको। तो 10 दिन दवा खाए मैडम, 10 दिन दवा खाए होंगे, फिर हम पटना आ गए। आपने कौन सी दवा खाई है, कौन कौन सी दवाई खाई है? जैसे आपने जो हमें भेजी थी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे, उसमें तो टिनिकार लिखा है और जिंको ब्लोबा, ये सब दवाइयाँ खाई है आपने, वर्टिन, जिंको ब्लोबा, टिनिकार, टिनेक्स? ये दवा तो हम बाद में पटना में आके दिखाया था डॉक्टर से, धनबाद में जो डॉक्टर लिखा था वो कुछ ऐसा ही दवा लिखा था, दूसरा दवा लिखा था, एंटीबायोटिक कुछ। अच्छा, और जैसे कि आपने कान का जांच कराई तो उसमें आपकी हियरिंग तो ठीक है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना? हाँ। अच्छा अभिषेक, और जैसे आपने इसके लिए जब हम हमारा कैसे मतलब आपको ट्रीटमेंट का पता चला, और इसके लिए और भी दवाइयाँ खाई, सिर्फ एलोपैथी दवाइयाँ खाई या होम्योपैथी भी खाई और आयुर्वेदिक भी खाई, कैसे क्या क्या किया? पटना में एंटी तो दिखाए और 15 दिन दवाई खाए थी, उसका टिनी का जो दवाई था उसमें ठीक नहीं हुआ, तो फिर जो है ना हम एक फिर मैडम एक मेरे डॉक्टर थे बसंत कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके पास गए ना तो वो बहुत सारा रिपोर्ट मतलब चीज जांच करवाए, पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ सब हुआ, और डी का विटामिन डी का बहुत कमी था, 3 मंथ डी वो चलाए दवा, डी का दवा चला 3 मंथ उनका, तो मेरा रात में अटैक आना बंद हो गया उनके दवा से, वो राहत मिला हमको। नहीं, वो अटैक अलग है और आवाज अलग है, ठीक है ना? अच्छा अभिषेक, ये बताइए कि जैसे आपको हमारा ट्रीटमेंट का आपने सर्च किया, और शुरू में कैसे बिलीव आया, क्योंकि आप तो हमारे पास आए नहीं, बिना आए आपने हमारा ट्रीटमेंट कोरियर से लिया है, और कैसे आपने स्टार्ट किया हमारा ट्रीटमेंट और कैसे विश्वास आया, और शुरू में क्या लगता था? शुरुआत में हम फिर से आपका वेबसाइट सर्च किए थे,
प्रशांत से बात भी किए थे, लेकिन बात करने के बाद फिर हम जो है ना 10 दिन मुझे लगा, उसके बाद हम दवाई मेरा चल रहा था उस समय, लेकिन हमको तो मैडम कुछ रिलीफ मिल नहीं रहा था, तो फिर दोबारा प्रशांत सर से फिर बात किए, और आपका बहुत सब सब वीडियो मैंने देखा है मैडम, सब वीडियो जितना था सब मैंने देखा है, और लोगों का रिव्यू देखा, वो लोग बोले तुमको बहुत विश्वास लगा ना कि इससे लगता है हम ठीक हो जाएंगे, तभी हम मैडम आपसे कॉन्टेक्ट किए। फिर आपने ट्रीटमेंट, आपने तो ट्रीटमेंट हमारा कोरियर के थ्रू लिया है ना? हाँ मैडम, कोरियर भेजे थे आप लोग, मिल गया तुमको। आपको आपको जब आप फर्स्ट टाइम लेने लगे थे कि ऐसा लगा था कि कोरियर आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं आया था मन में ना? ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि आप बहुत सारा वीडियो आपका देखे थे, वेबसाइट बहुत ट्रस्टेड था, बहुत कुछ अच्छे से लिखा हुआ था, ये पैसा बिल्कुल नहीं लगा। ठीक है, तो आपने इसीलिए आप बिल्कुल अब जो ठीक हो गए हैं उस हिसाब से मतलब मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि यस ये चीज़ भी ठीक हो सकती है, क्योंकि आप खुद ऑनलाइन देखते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको पता है गूगल और इंटरनेट पे क्या लिखा हो, और इस परेशानी से ऐसे एंजाइटी और डिप्रेशन आने लगता है। आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों को जो यूट्यूब, जो लोग गूगल पे देखते हैं, नेगेटिव पढ़ते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? आपको लगता है कि ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, टिनाइटिस ठीक हो सकता है? जब आप सब लोग ठीक हो रहे हैं तो लोगों के लिए भी आप कुछ बताना चाहेंगे? मैडम जानती, शुरुआत में तो हम बहुत सर्च करते थे इंटरनेट पर, तो जहाँ देखते थे निगेटिव न्यूज बहुत मिलता था, कोई बोलता था कि 9 साल से, कोई बोलता 8 साल, देखते थे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता और डर लगने लगता था कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वो चीज था। फिर डॉक्टर भी मना किया कि ज्यादा इंटरनेट आप यूज मत कीजिए, ये सब पढ़े में ज्यादा पढ़े, जो दवा चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन फिर भी हम सर्च करते थे लेकिन गलत न्यूज नहीं पढ़ते थे। अब जहाँ पॉजिटिव चीज होता था वही सिर्फ देखते थे, तो फिर आपका वेबसाइट मिला, आपका यूट्यूब चैनल मिला, तो फिर वहां से सब पॉजिटिव मिला, तो हम फिर यूज किए, फिर निगेटिव चीज ध्यान नहीं दी जाता। जैसे आपने यूज किया आपको तुरंत आराम मिलने लगा, आपको रिलैक्सेशन शुरू हो गया फर्स्ट डे से ही? नहीं मैडम, थोड़ा सा हमको इसमें 1 महीना लगा था, हम कुछ प्रशांत से बीच में बात भी करते रहते थे हमेशा, तो 1-1.5 महीना हमको लगा, और फिर 2 महीने के बाद फिर कम होना स्टार्ट हुआ है। अब ऐसा लगा है कि जैसे आपसे जो हमारा ट्रीटमेंट चलता रहता है उसमें आपके पास तीसरे दिन और हर हफ्ते फोन आता है, तो उसमें आपके रिपोर्ट्स में लिखा है कि लास्ट 1 हफ्ते से आपको कोई आवाज नहीं आ रही है। हमको शुरुआत में मैडम ऐसा लगा था, आपको बोलना चाहेंगे कि हमको लगा ना कि आपने जैसे कि आपने मशीन भेज दिया आपका काम खत्म हो गया, लेकिन हमको अच्छा तब लगा जब आपका रेगुलर कॉल आता था मेरे पास, हमको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हमको लगता था कि ये लोग हमको पक्का ठीक कर देंगे, तभी तो कॉल कर रहे हैं, नहीं तो क्यों कॉल करेंगे। बिल्कुल, तो यही मैं समझा रही हूँ कि और आप लोग सब लोगों को, आपको पता ही है कि हमारा यहाँ से तीसरे दिन और हर हफ्ते तब तक फोन जाएगा जब तक कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे। अब जैसे लास्ट वीक आपको अभी 2 या 3 महीने हुए हैं, ठीक है ना, और 3 महीने के हिसाब से जैसे आपकी रिपोर्ट दिखा रही है, ट्रीटमेंट रिपोर्ट, कि आपको पिछले हफ्ते आपको पूरा हफ्ता आवाज़ नहीं आई है, महिमा, डॉक्टर महिमा आपको कॉल की है और उन्होंने बताया बस आज हल्की सी प्रॉब्लम हुई है, तो आज क्या सोल्यूशन था वो भी आपको बता दिया है। क्योंकि आवाज जैसे कि आवाज बंद नहीं हुआ, आवाज आता है लेकिन हल्का आता है, पहले से डिस्टर्ब नहीं करता है, आज थोड़ा है लेकिन आवाज है लेकिन वो भी कम ही है, हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सबसे अच्छा बात है मैडम, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम की 6 महीना से हम अपने कंप्यूटर पर बैठे नहीं थे, कभी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कोई मतलब दिन रात तो पड़े रहते थे, टीवी देखते थे, यही करते थे, कोई काम तो नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी हम 10-11 दिन से लगातार कंप्यूटर पर बैठते हैं, अपना मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे काम के ऊपर है, हमको बहुत खुशी है इस चीज का। चलो चलो अभिषेक, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि आप अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो, मन आपका खुश रहता है, आपके घर वाले खुश रहते हैं आप? हाँ मैडम, पहले क्या था कि हम हमेशा परिवार के साथ रहते थे, अकेले रूम में, जैसे अभी आप अकेले अपने रूम में बैठे हुए, अभी अकेले हमेशा परिवार के साथ ही रहते, डर लगता था अकेले समझिए, लेकिन अभी क्या है 10-11 दिन से हम अपना लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, तो कोई डर नहीं लगता। पहले घबराहट होती थी कि मेरी आवाज तेज हो जाएगी तो एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा था, इसलिए अकेले नहीं रह पाते थे, अब आप शांति में अपना काम कर सकते हैं। मेरे मन में मैडम बहुत सारा निगेटिव ख्याल आता था जिसको हम अभी वीडियो में नहीं बोलेंगे, नहीं तो दूसरे लोगों को भी बहुत दिक्कत होगा, बहुत गलत गलत बात हम सुनने लगे थे अपने जिंदगी के बारे में, लेकिन एक चीज है कि विश्वास करना चाहिए आप लोगों के ऊपर और बिल्कुल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और बिल्कुल ठीक हो जाता है ये चीज। आपकी मशीन कहाँ है जी मैडम? जो आप डिवाइस हमारी यूज कर रहे हैं वो कहाँ है, आप दिखा सकते हैं मुझे? हाँ मैडम, डिवाइस है मैडम।
ठीक है अभिषेक। अभिषेक आपको ये डिवाइस यूज़ करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? हम जैसे आपने रिपोर्ट भेजी, आपको कैसे कैसे हमने मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया आप बता सकते हो? आपने सबसे पहले क्या किया? शुरुआत में जो है हमको तो आप लोग रिपोर्ट भेजी थी, मैं तो आया था, लिखा हुआ था 20-30 मिनट लेना है, तो हम वैसे ही लिए 20-30 मिनट डेली। शुरुआत में 15 दिन तक हमने लिया। क्या हुआ ना मैडम, डॉक्टर के पास दिखाने गया था ना, डॉक्टर बोला कि ये मत लीजिए, ऐसे दिक्कत लगा रही है। 10-15 दिन हमको डर लगने लगा, लेकिन 15 दिन के बाद जो है जब आपका कॉल आया पहला कॉल, तो हमको लाया मैडम बोली ना कि आप ले रहे हैं, तो हम बोली हम उनको बोले कि मैडम थोड़ा बहुत हम ले रहे हैं। उसके बाद हम रेगुलर लेना स्टार्ट कर दिया जब मैडम कॉल आया था, क्योंकि आपको डॉक्टर्स डरा देते हैं कि मत लो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप हाँ। आप लोगों को तो डॉक्टर्स की दवाई से कोई आराम ही नहीं मिला, फिर भी आप लोगों ने लिया। हाँ। इसी वजह से आज ये दिन है कि आप अपने काम कर पा रहे हैं, आपको आवाज परेशान नहीं कर रही है, आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आते और आप बिल्कुल मैडम जानती है सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है, जो होता है आवाज सोचने समझने का शक्ति खत्म, जो आदमी सामने वाला बोलता है ना वही करने का मन करता है, इतना मतलब दिमाग एकदम पागल की तरह हो जाता है। लेकिन अब तो नहीं है ना? अभी नहीं। और मैं सोच आपसे बात कर रहे थे, हमको अच्छा लग रहा है, मेरा दिमाग आपके तरफ बिल्कुल है, पहले ऐसा नहीं होता। अभी खुश हैं आप? हाँ मैडम खुश है, हमको थोड़ा बहुत रह गया, हमको लगता है कि अब आराम से धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी आवाज जो थोड़ी बहुत रह गई, अगर पहले से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से जजमेंटल 70-80% आपकी आवाज चली गई है, और जो जिस हिसाब से आप चीजें बता रहे हैं ठीक है ना, और जो 20% रह गई है, क्योंकि ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, कितने समय का बताया है पूरा ट्रीटमेंट? जी मैडम, आपको पूरा ट्रीटमेंट कितने समय का बताया है पूरी आवाज खत्म होने के लिए? हाँ 6 महीने का मैडम, 6 महीने का, अभी तो 3 महीने हुआ है बिल्कुल। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं? 3 महीने भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, 7 जुलाई से लिया था मैडम, 7 जुलाई से मेरा स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आपने 7 जुलाई से शुरू किया था, ओके। तो अपना हाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हाँ हो गया है, तो आपका ये जो है ट्रीटमेंट ऐसे ही कंटिन्यू रखो। अच्छा अभिषेक, आप ये बताइए कि आप हमारे कुछ जो लोग परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि आप इस चीज़ को भुगत चुके हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि आपकी इस आवाज़ के लिए आप कान की मशीन पहन लो, क्या आप ये मानते हो कि कान की मशीन पहननी चाहिए? कान की मशीन अलग होती है और टिनाइटिस की प्रॉब्लम अलग होती है, क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ मैडम बिल्कुल बोलना चाहेंगे, मेरे साथ खुद हुआ है, हम गए थे एंटी के पास दिखाने के लिए, जांच वगैरह हुआ तो वहाँ पर लिख दिया और मेरे सामने रख दिया 2-3 तरह का कान में लगाने वाला मशीन, उसका लाख रुपया था, उसका चार्ज था लगभग कम 25,000 का भी था, लाख का था वो, तो हमको तो गजब लगा कि हम ये सब चीज नहीं पहन पाएंगे जिंदगी भर, हमको मेरे आँख से आंसू निकल गया था, घर पर आए थे तो मेरे आँख से आंसू निकल गया था, और सबसे अधिक तो हमको दुख इस बात का कि नया शादी हुआ है, नहीं अभी भी आई है, और हमको इस तरह का हो गया है, पत्नी के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है, हम सोच लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको लगाएंगे नहीं, चाहे मेरा कान का साउंड खत्म भी हो जाए फिर भी इसको हम लगाएंगे नहीं, ये सोच लिए। लेकिन आपको तो हियरिंग लॉस है ही नहीं, तो हियरिंग एड की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? हाई फ्रीक्वेंसी प्रशांत सर बोले थे ये बात, प्रशांत सर से फोन करके बोले ये चीज की सर ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहा है, तो सर साफ साफ मना कर दिए कि आपको तो लॉस है ही नहीं, आप क्यों लगाओगे ऐसे चीज, हम बोलेंगे बिल्कुल सही प्रोग्रेस। तो आपको जो टिनाइटिस की दिक्कत है, टिनाइटिस का जो हम डिवाइस दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ही यूज करना है, बाकी अभी 3 महीने हुए हैं, अभी बाकी भी टाइम है, जो हल्का 10-20% बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप क्या हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं उनको अपना कुछ मैसेज देना चाहते हैं टिनाइटिस से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड? हाँ यही हम बोलना चाहेंगे मैडम कि जिनको भी कान में आवाज आता है उसको इंटरनेट पर जो भी निगेटिव है वो न्यूज कभी नहीं देखना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो भी पॉजिटिव न्यूज है उसी को देखना चाहिए, और डॉक्टर स्पेक्ट्रा में आप जरूर अपना ट्रीटमेंट करवाइए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सके और अपना जो आपका लाइफ है वो सुधर सके, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जी अभिषेक, एक चीज और मुझे बता दीजिए कि लोगों को लगता है कि आने से ही ठीक होंगे, जो बहुत दूर है ठीक है ना, उनको लगता है कि आने से ही ठीक होंगे, क्या मशीन को कोरियर मंगाने से भी आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे आपने कोरियर से मंगाया? हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे पापा बड़ा बोलते थे कि जा तुम जाओ, चलो हम ले चलते हैं दिल्ली ले चलते हैं, और हम मेरे पास इतना सर उसमें काम में साउंड था मैडम, हमको सफर करने का बोले कर था यहीं से ले चलते हैं ट्रेन से, तो हम बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमको ट्रेन की आवाज़ से भी हमको दिक्कत होता है, वहाँ जाते जाते मेरा और तबियत खराब हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसमें प्रशांत सर बोल भी दिए थे आपका ट्रीटमेंट जो है वहीं आने का आपको जरूरत नहीं, आपका घर रहते रहते हो सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सोचे जब वैसा हो सकता है
तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं हो सकता तो हमको जाना पड़ता मजबूरी में। ये बहुत अच्छा आपका एक चीज है मैडम कि आप लोग घर पर पहुंचवा देती हैं, बहुत अच्छा चीज है। थैंक यू अभिषेक इतना सपोर्ट करने के लिए। क्या हम आपका ये वीडियो यूट्यूब पे डाल सकते हैं? कुछ कंडीशन अप्लाई होगी, लोगों के लिए डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल दीजिए मैडम, ताकि दूसरे लोग देखें इसको। हम भी किसी ना किसी का वीडियो देख के आए थे, उसी तरह मेरा वीडियो भी देख के लोग आएंगे तो उनको बहुत खुशी होगा, क्योंकि सारे लोग बहुत परेशान है, इसलिए सब लोग ठीक हो। थैंक यू सो मच अभिषेक, और मैं चाहती हूँ आगे तक हमारी सर्विसेज आपको ऐसे ही मिलती रहेगी, डॉक्टर्स के फोन आपके पास आते रहेंगे जब तक कि आप बिल्कुल ठीक ना हो जाए। ओके ओके अभिषेक, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय, नमस्ते।